कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी को बुरे वक्त से उबारने के लिए कुछ सुझाव दिए। उनका कहना, कांग्रेस में दोबारा उभार देश की जरूरत है। इसके लिए पार्टी को भी ये दिखाने की जरूरत है कि वो एक्टिव है और सार्थक रूप से जुड़ना चाहती है। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही लोगों को लॉकडाउन से धीरे धीरे राहत। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया की शुरू। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली में कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के पांचों सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंप दिया गया। देश में कोरोना के केस में कमी का सिलसिला जारी। रविवार को देश में 68,362 नए मरीजों की पहचान, 113,003 मरीज ठीक, जबकि 3,880 की मौत। बीते 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,593 की कमी। सिर्फ 9,72,577 मरीजों का इलाज जारी। पिछले 17 सितम्बर को आए पहले पीक से भी ये कम है। तब 10,17,705 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद इनमें कमी होती गई। दुनिया में कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की सोच रही है पूरी दुनिया। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने 24 नए कोरोना वायरस खोज लिए। इनमें से 4 कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे, यानी खतरा 4 गुना ज्यादा हो गया। चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की उत्पत्ति का लगा रहे थे पता, चमगादड़ों की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें 24 नए कोरोना वायरस का पता लगा। इनमें से एक वायरस इस समय कहर बरपा रहा SARS-CoV-2 वायरस से जेनेटिकली बहुत ज्यादा मिलता है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदला। वैज्ञानिकों की आशंका, कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट दी। बता दें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को देश में मई की शुरुआत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। इसराइल में नई सरकार का संगठन, 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान। कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वो फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते। खास बात यह, इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म, हालांकि वो भी गठबंधन सरकार के ही मुखिया थे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। उन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में ग्रीस के 22 साल के स्टाफोनिस सित्सिपास को करीब 4 घंटे तक चले मुकाबले में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। इसके साथ 34 साल के जोकोविच टेनिस के इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। पिछले 52 साल में ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर आग लगी। ईंधन के दाम में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल पहले 100 रुपए प्रति लीटर पार पहुंचा। अब पहली बार डीजल की कीमत ने भी शतक लगाई। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार उतार चढ़ाव के साथ खुले। आज सेंसेक्स 17.58 अंक मामूली बढ़त और निफ्टी 7.95 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ खुला। इससे पहले शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ हुए थे बंद। सेंसेक्स 174.29 पॉइंट ऊपर 52,474.76 पर हुआ था बंद। दूसरी तरफ निफ्टी 61.60 अंक की बढ़त के साथ 15,799.35 पर हुआ था बंद।